डॉक्टर के पास और गुरु के पास अपनी अकल नहीं लगानी चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि सिर दर्द है, हाँ ये दवा खा लेना ठीक हो जाएगा, मान लेते हो कि नहीं? और डॉक्टर से भी कहो कि हम कैसे माने कि इससे सिर दर्द ठीक हो जाएगा? अरे भाई हम कह तो आपके कहने से क्यों माने? अरे भाई ये दवा हो सकता है जहां बनी हो वहां गड़बड़ी हुई हो, तो पहले तो हम पता लगाएंगे कहां बनी और गड़बड़ी हुई कि नहीं इसमें, बोलो। और मरीज इसी खोज में निकल जाए तब तक मर्ज की कौन कहे मरीज भी बचेगा, इसलिए ज्यादा अकल नहीं। कुछ लोग अकल लगाते हैं, गुरुओं से ही बहस कर, डॉक्टर से ही बहस करते। डॉक्टर ने कहा कि देखो ये चीजें मत खाना, और वो क्या कहे? अच्छा डॉक्टर साहब, तो थोड़ी देर में आया, लौकी तो खा सकते, हाँ हाँ ठीक, फिर उतनी देर फिर, और मूंग की दाल छिलके वाली, हाँ वो भी खा सकते, फिर और परवल। डॉक्टर ने कहा हद हो गई, खा लेना जा। फिर और तोरई और बता दो, उसने कहा कि हाँ तोरई भी थोड़ी देर, और टिंडा। तो डॉक्टर बोला कि तुम हमारी खोपड़ी मत खाओ, तुम्हें जो खाना हो सो खाओ। एक एक मरीज से डॉक्टर ने कहा कि हल्का भोजन किया करो, अब उसने लगाई अपनी अकल। डॉक्टर ने कहा हल्का भोजन, तो हल्का क्या? मिट्टी पानी में हो तो नीचे बैठ जाती, पानी ऊपर, तो मिट्टी से हल्का पानी, मिट्टी के ऊपर तैरता है, और पानी से हल्का घी तेल पानी में डाल दो तो ऊपर तैरता रहता है। मिट्टी से हल्का पानी, पानी से हल्का घी तेल, और घी तेल से हल्की पूड़ी, वो तेल घी के ऊपर तैरती है, उससे हल्का क्या होगा? बोलो, ऐसा हल्का भोजन करे तो बचेगा मरीज? इसलिए गुरुओं के ज्ञान में भी अकल नहीं, विश्वास। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा।